नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं यार आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जिम्बाब्वे और इंडिया के बीच में होने वाले सेकंड T20 इंटरनेशनल मैच के बारे में। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको कल बताया ही था कि टोटल 5 T20 इंटरनेशनल मैच की ये सीरीज है, जिनमें से एक मैच ऑलरेडी हो चुका है। और जो कल वाला मैच हुआ था दोस्तों, वो इंटरेस्टिंग बात यह कि यार इंडियन टीम हार गई। मतलब बताओ यार, जिम्बाब्वे के अगेंस्ट हार गई, एक ऐसी टीम के अगेंस्ट इंडियन टीम कल मैच हार गई जो कि T20 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई भी नहीं करी थी, है ना। और मतलब क्या ही बताऊं यार, शर्म भी नहीं आई इनको। हालांकि दोस्तों बॉलर्स ने अपना काम कर दिया था, जिम्बाब्वे को ज्यादा रन नहीं बनाने दिए थे, मात्र 115 रन पे उनको रोक दिया था। लेकिन यार बैट्समैन अपने जो फ्लॉप हुए हैं कल वाले मैच में, 116 रन का टारगेट भी चेस नहीं कर पाए, है ना। अभिषेक शर्मा, रिंकू सिंह, ध्रुव जुरेल, रियान पराग, सारे के सारे कल वाले मैच में फ्लॉप। और ये ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, अच्छे प्लेयर हैं, IPL में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे आते ही भाई एक तरीके से हवा से ही निकल गई इनकी, है ना। लेकिन देखते हैं यार आज वाले मैच में क्या करते हैं। उम्मीद करता हूँ आज वाले मैच में इंडिया कमबैक करेगी। बाकी दोस्तों कल देखो इंडिया तो जीती नहीं, उसके लिए तो मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस बोल नहीं सकता, लेकिन हम तो जीते थे भाई फैंटेसी क्रिकेट में, हमने तो काफी अच्छा प्रॉफिट कमाया था। तो आप लोगों को यार उसी के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। कल दोस्तों हमने अपने चैनल पर जो भी 3-4 मैच कवर किए थे, सभी मैचों में लगभग हमने प्रॉफिट कमाया था। ओवरऑल कल का दिन काफी अच्छा था फैंटेसी क्रिकेट में हमारा, और बहुत तगड़ा प्रॉफिट हुआ था, है ना। आप सबको भी दोस्तों मेरी तरफ से बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। मेरे जो पर्सनल विनिंग के स्क्रीनशॉट थे दोस्तों, वो तो मैंने कल अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर ही दिए थे, वो तो खैर यार आपने देख भी लिए होंगे, है ना। अब दोस्तों उम्मीद करते हैं इंडियन टीम से कि आज वाले मैच में भाई जीते। हालांकि दोस्तों ये कोई डू ऑर डाई मैच नहीं है, क्योंकि टोटल 5 मैच की T20 इंटरनेशनल की सीरीज है। अगर आज वाला मैच हार भी जाती है इंडियन टीम, तो ऐसा नहीं है कि सीरीज इनके हाथ से चली जाएगी। लेकिन फिर भी मैं बोलता हूं यार, क्यों ही जो है जिम्बाब्वे के अगेंस्ट हार रहे हो, अच्छे प्लेयर्स हो, थोड़ा पोटेंशियल तो समझो अपना, है ना। खैर दोस्तों आज के मैच में भी देखो हम तो प्रॉफिट कमाने की कोशिश करेंगे, 3-4 मैच आज भी कवर करेंगे। उम्मीद करते हैं आज वाला दिन भी अपना काफी अच्छा जाए, काफी अच्छा प्रॉफिट हम कमाएं। स्टार्ट करते हैं दोस्तों इस मैच से। तो यार इस मैच के एनालिसिस का वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आ गया हूं, अपना पूरा फोकस यहीं पर रखना, ज्यादा बड़ा नहीं करेंगे वीडियो को, जल्दी जल्दी कवर करेंगे। तो एनालिसिस ध्यान से समझ लेना, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूं, क्योंकि अगर आपने एनालिसिस अच्छे से समझ लेना तो फिर टीम बनाने में काफी आसानी होती है और प्रॉफिट कमाने में काफी आसानी होती है, ठीक है। तो वीडियो को ध्यान से देखना मेरे भाई और पूरा देखना। उसके अलावा दोस्तों आपको भी पता है कि क्रिकेट का भी काफी अच्छा सीजन चल रहा है ना। ये इंडिया वाली सीरीज चल रही है, इंडिया वोमेन की सीरीज चल रही है, लंका प्रीमियर लीग चल रही है, इंग्लैंड वोमेन की सीरीज चल रही है, TNPL चल रहा है, बहुत सारी लीग्स चल रही है। और हम जो है काफी अच्छे खासे मैच कवर कर भी रहे हैं रेगुलरली, अच्छा प्रॉफिट कमा भी रहे हैं, आगे भी कमाते रहेंगे भाई। हमारा तो काम है देखो प्रॉफिट कमाना, है ना। अगर आपको भी दोस्तों हमारे साथ फ्यूचर में ड्रीम इलेवन वगैरह पे फैंटेसी क्रिकेट में काफी अच्छा खासा प्रॉफिट कमाते रहना है, तो मेरे भाई देखो आपको कुछ भी नया काम नहीं करना, आपको वही काम करना है जो लगभग 7 लाख लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। क्या करना है वो देखो यार, नीचे सब्सक्राइब वाला बटन आ रहा होगा। आप में से जिस भी भाई ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो फटाफट से यार उस बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही साथ दोस्तों उसके बगल में जो बेल आइकन आएगा उसको भी दबा के ऑन कर लेना। उसकी वजह से क्या है कि सारी अपडेट, सारी नोटिफिकेशन आप तक टाइम टू टाइम पहुंचती रहेगी, और जिस तरीके से लाखों लोगों का प्रॉफिट हो रहा है वैसे आपका भी प्रॉफिट होता रहेगा, है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब करने का दोस्तों कोई भी पैसा आपका लगेगा नहीं, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना। उसके अलावा दोस्तों देखो यार, इस वीडियो में आपको इसमें से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, बहुत अच्छी एनालिसिस हम कर लेंगे, है ना। फिर आगे इस वीडियो में दोस्तों हम क्या करेंगे कि इसी एनालिसिस का यूज करके इस मैच की एक टीम भी बनाएंगे। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना, वो जो भी टीम अपनी इस वीडियो में बनेगी वो अपनी फाइनल टीम नहीं रहेगी, उसमें चेंजेज हो सकते हैं, उसमें अपडेट हो सकते हैं, है ना। ये बात तो आपको भी पता है यार, क्योंकि अभी तक इस मैच का टॉस नहीं हुआ है, और जब तक टॉस नहीं हो जाता तब तक अपने पास नई नई अपडेट आती रहती है। टॉस होने के बाद अपने पास फाइनल पिच रिपोर्ट आती है, फाइनल प्लेइंग 11 आती है, जिसकी वजह से अपनी टीम में चेंजेज हो सकते हैं, है ना। तो अपने दोस्तों इस वीडियो वाली टीम में यार जो भी चेंजेज होंगे, जो भी अपडेट होंगे, वो करके अपनी जो भी फाइनल टीम होगी इस मैच की, जिससे मैं खुद भी खेलूंगा, एंड ऑफ कोर्स जिससे अपनी पूरी फैंटेसी सपोर्ट की फैमिली भी खेलेगी, वो हमेशा की तरह दोस्तों टॉस के बाद मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दूंगा। हमारा टेलीग्राम चैनल भी दोस्तों आपको अपनी साइड स्क्रीन पे दिख पा रहा होगा। अगर आप में से किसी भाई ने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो मेरे भाई ज्वाइन आपको जरूर कर लेना। इसकी जो ज्वाइनिंग लिंक है वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे रहा हूं, उस लिंक पर क्लिक करोगे तो 1-2 सेकंड के अंदर एकदम फ्री में आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओगे। फिलहाल में दोस्तों 1,80,000 से ज्यादा लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े हुए हैं और रेगुलरली हमारी फाइनल टीम्स और अपडेट्स का एकदम फ्री में फायदा उठा के बहुत अच्छी विनिंग कर रहे हैं, है ना। तो आपको भी जुड़ जाना है, जुड़ना एकदम जरूरी है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। बाकी बात करते हैं दोस्तों देखो यार इस मैच के बारे में, तो वही टाइम है और वही मैदान है, सिंपल सी चीज है और कुछ भी डिफरेंट नहीं है। देखो मैं आपको फटाफट से चीजें बता देता हूं कि आज वाले मैच में एक्चुअली डिफरेंट क्या रहेगा कल वाले मैच से, ज्यादा अपन डीप में नहीं घुसेंगे क्योंकि चीजें आपको थोड़ी बहुत तो पता ही है, आइडिया तो आपको है ही है ना। अब दोस्तों हम बात करते हैं देखो यार हरारे स्पोर्ट्स क्लब के बारे में।
तो यहां पर कल वाला मैच भी हुआ था, यहां पर आज वाला मैच भी होगा। जिम्बाब्वे का मेन मैदान यही है, ठीक है। मौसम दोस्तों आज भी क्लियर रहेगा, मौसम की वजह से आज भी कोई इंटरप्शन नहीं आएगा। और कल दोस्तों जो इंडियन टीम ने एक गलती की थी वो ये थी कि टॉस जीत के उन्होंने पहले बॉलिंग करने का डिसीजन ले लिया था, जबकि मैंने कल आपको वीडियो में ही बोला था कि भाई दिन का मैच है, ड्यू कोई इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करेगी, तो टॉस जीतो और पहले बैटिंग चुन लो, ये मेरा जो है कहने का था। लेकिन पता नहीं भाई शुभमन गिल के दिमाग में क्या चल रहा था। उम्मीद करता हूं आज जो है थोड़ा बेटर डिसीजन ले, आज अगर इंडियन टीम टॉस जीताती है तो उम्मीद करता हूं कि पहले बैटिंग करने का डिसीजन ले ले, क्योंकि ध्यान रखना दोस्तों इंडियन टाइम 4 बजे ये वाला मैच स्टार्ट हो रहा है, जिम्बाब्वे में ये वाला मैच लगभग 2:01 स्टार्ट हो रहा है, और 2:01 का मतलब हो गया कि ड्यू आएगी ही नहीं, पहली इनिंग में भी नहीं आएगी, दूसरी इनिंग में भी नहीं आएगी, कहीं पर भी ड्यू का नामो निशान नहीं है, तो टॉस जीतो पहले बैटिंग कर लो, है ना। दूसरी बात दोस्तों देखो यार, पिछला वाला जो मैच था, कल वाला जो मैच था, वो एक लो स्कोरिंग मैच था। जिम्बाब्वे ने पहले बैटिंग करते हुए 115 रन बनाए, फिर जो इंडियन टीम थी वो उसको भी चेस नहीं कर पाई। लेकिन मैं आपको सही बात बताऊं, पिच काफी बेहतर थी, है ना। पिच ऐसी थी कि 160-170 आराम से बनाए जा सकते थे, लेकिन वो तो ऐसा कह सकते हैं कि दोनों ही टीम के बैट्समैनों ने घटिया परफॉर्मेंस किया, इसलिए रन बने ही नहीं, है ना। उम्मीद करता हूं आज अगर इंडियन टीम पहले बैटिंग करती है तो थोड़ा अच्छा परफॉर्मेंस दे, क्योंकि पिच फ्रेश है। 2024 में दोस्तों अभी तक इस पर्टिकुलर मैदान में सिर्फ एक ही T20 इंटरनेशनल का मैच खेला गया, जो कि कल ही हुआ था, है ना। एकदम फ्रेश पिच था, लेकिन फिर भी नहीं बना। आज भी जो है पिच फ्रेश ही रहेगा, ज्यादा कुछ हुआ नहीं था कल वाले मैच में। अगर सेम पिच पर भी मैच खेलाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बैटिंग फ्रेंडली पिच है। मैं बोल रहा हूं 150-160 के समथिंग स्कोर भी यहां पर आसानी से बन जाना चाहिए, लेकिन वो देखते हैं यार, है ना। उसके अलावा दोस्तों हरारे के जो पिच होते हैं वो जनरली बैलेंस सरफेस होते हैं, ये बात मैं आपको कल भी बता चुका था। यहाँ पर बैट्समैन को भी सपोर्ट मिलता है, यहाँ पर बॉलर्स को भी सपोर्ट मिलता है, बॉलर्स में दोस्तों फास्ट बॉलर को भी सपोर्ट मिलता है, स्पिनर को भी सपोर्ट मिलता है। मैंने आपको दोस्तों एक चीज और बताई थी कि स्पिनर्स जो है ना, उन्होंने थोड़े रिसेंट टाइम्स में जो है पेसर्स से बेटर परफॉर्मेंस किया है। कल रवि बिश्नोई 4 विकेट लेके चले गए थे। यहाँ पर दोस्तों हरारे के स्टेडियम में स्पिनर को अच्छा सपोर्ट मिलता है, पेसर्स को भी मिलता है, ऐसा नहीं कह रहा, लेकिन स्पिनर्स को थोड़ा सा ज्यादा मिलता है ना। सिकंदर रजा ने अच्छा किया था, रवि बिश्नोई ने अच्छा किया था, वॉशिंगटन सुंदर ने अच्छा किया था, सारे स्पिनर्स जो अच्छा करके गए थे। आज वाले मैच में भी ध्यान रखना स्पिनर्स इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, है ना। उसके अलावा दोस्तों एवरेज स्कोर की अगर मैं बात करूं तो वो डिपेंड करेगा कौन सी टीम पहले बैटिंग करी है। बाकी दोस्तों अब भरोसा तो एक्चुअली दोनों ही टीम के बैट्समैन पे अपन कर नहीं सकते, लेकिन फिर भी मैं बोलूंगा भाई 130-140 तो बना देने चाहिए, इतना खराब नहीं है पिच की 115 भी नहीं बना पाओ आप, है ना। उसके अलावा दोस्तों जो भी टीम टॉस जीतेगी, मेरे को वही लगता है कि टॉस जीतो पहले बैटिंग कर लो, ड्यू का कोई सीन नहीं है। और हाँ वो तो देखते हैं यार क्या करते हैं कैप्टन, है ना। बाकी दोस्तों आपको भी पता है एक डेमो पिच रिपोर्ट है, फाइनल पिच रिपोर्ट का आपको वेट करना है। अपने को अभी तक ये पता नहीं लगा कि आज वाला ये जो मैच है वो उसी पिच पर खेला जाएगा जिस पर कल मैच हुआ था, या फिर नए पिच पर यूज खेला जाएगा, है ना। तो वो फाइनल पिच रिपोर्ट आने के बाद पता लगेगा। फाइनल पिच रिपोर्ट अपने पास टॉस के टाइम पे आती है, वो मैं आपके साथ हमेशा की तरह अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, चिंता मत करो। बस टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन करके रख लेना, उसकी ज्वाइनिंग लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। वेन्यू स्टेट्स दोस्तों कुछ ही नहीं है, 41 मैच आज तक टोटल यहां पर T20 इंटरनेशनल के खेले गए, जिनमें से 23 मैच उस टीम ने विन किया जिसने पहले बैटिंग किया, ज्यादातर मैच वो टीम जीती है जो यहां पर पहले बैटिंग करती है, ठीक है। बाकी दोस्तों ये बातें हो जाती है। अच्छा यार किसी ने अभी तक हमारी इस वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो यार वीडियो को तो लाइक कर देना, आप लोगों के लिए इतने अच्छे अच्छे एनालिसिस के वीडियोस में ला रहा हूँ, इतना अच्छा आपका प्रॉफिट करवा रहा हूँ फैंटेसी क्रिकेट में, वो भी एकदम फ्री में, आपसे कुछ भी डिमांड नहीं करता मैं कि भाई मेरा सब्सक्रिप्शन लो या फिर मेरे मेंबर बनो, ऐसा कुछ भी नहीं बोलता मैं। बस बोलता हूँ कि यार फैमिली का हिस्सा बनो, थोड़ा सा प्यार व्यार दो। जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया वो वीडियो को लाइक तो कर दिया करो, एकदम फ्री का है ना। कंजूसी बहुत करते हो यार आप लोग, ऐसा नहीं करना चाहिए, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दे, भाई का ही वीडियो है ना। बाकी बात करते हैं दोस्तों देखो यार रिसेंट परफॉर्मेंस और हेड टू हेड रिकॉर्ड के बारे में, तो वो भी आपके स्क्रीन के सामने कुछ खास है नहीं, है ना। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जिम्बाब्वे ने कल वाला मैच जीत ही लिया था, उससे पहले बांग्लादेश के अगेंस्ट सीरीज हुई थी 5 मैच की, जिनमें से स्टार्टिंग के 4 मैच हारे थे, 1 मैच जीता था, है ना। कुछ ऐसी ऐसी परफॉर्मेंस थी। जिम्बाब्वे T20 वर्ल्ड कप के लिए भी क्वालिफाई नहीं की थी, और इंडियन टीम जहां यह T20 वर्ल्ड कप जीत के आई है, हालांकि दोस्तों प्लेयर्स पूरे ही अलग हैं, आई एग्री, लेकिन फिर भी यार जिम्बाब्वे के अगेंस्ट हारना जस्टिफाई नहीं हो सकता, है ना। उसके अलावा हेड टू हेड में दोस्तों 3-6 का रिकॉर्ड अब हो गया है, 3 मैच जो है जिम्बाब्वे ने जीते हैं, 6 मैच जो है इंडिया ने जीते हैं, और बाकी आज वाले मैच में डेफिनेटली इंडिया फेवरेट रहने वाली है, बाउंस बैक करने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिर भी यार जो है जिम्बाब्वे को उतना भी हम कम नहीं आंक सकते, ठीक है। ये दोस्तों जिम्बाब्वे की पूरी स्क्वाड हो जाती है आपकी स्क्रीन के सामने, इनकी पॉसिबल प्लेइंग 11 हो जाती है आपकी स्क्रीन के सामने। जिम्बाब्वे का तो दोस्तों विनिंग कॉम्बिनेशन है, तो मेरे को लगता नहीं है कि ये कुछ चेंजेस करेंगे अपने प्लेइंग 11 में, है ना। वेस्ली माधवेरिया, इनोसेंट किया, ब्रायन बेनेट, सिकंदर रजा, मेयर्स, है ना, जोनाथन कैम्बेल, क्लाइव मदांदे, लुक जोंगवे, वेलिंगटन मसकजादा, टेंडाई चटारा और ब्लेसिंग मुजरबानी, मेरे को लगता नहीं है कि कुछ भी है
अपने प्लेइंग 11 में चेंजेस करेंगे। अगर करते भी हैं तो देखो अपने को टॉस के टाइम पे ही पता लगेंगे। मैं आपके साथ हमेशा तरह अपने टेलीग्राम चैनल पर ही शेयर करूंगा। फिलहाल में दोस्तों हम बात करते हैं देखो इन्हीं 11 प्लेयर के सारे रिकॉर्ड के बारे में, है ना। फटाफट देखेंगे, ज्यादा टाइम हम यहाँ पर लेंगे नहीं। वेस्ली माधवेरी की दोस्तों अगर मैं बात करूं तो ये कुछ टाइम बाद जो है, कुछ 5-6 महीने बाद जो है खेल रहे हैं कॉम्पिटिटिव क्रिकेट, क्योंकि कल भी मैंने आपको बताया था इनके ऊपर बैन लग गया था, इनको सस्पेंड कर दिया गया था नशों के चक्कर में। नशे कर रहे थे भाई, कर दिया सस्पेंड, है ना। बाकी राइट हैंड बैटर है, राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलर है। बॉलिंग से दोस्तों ज्यादा उम्मीद अपने को रखनी नहीं है क्योंकि रेगुलर बेसिस पे बॉलिंग इनको मिलती नहीं है, ठीक है। बैटिंग में दोस्तों 60 मैच में 1000 प्लस रन है, 20 का बैटिंग एवरेज है। पिछले मैच में 21 रनों की पारी खेली थी। आज वाले मैच में देखो अगर आप उठाना चाहो उठा सकते हो। मैं अपनी टीम में दोस्तों जो टॉप ऑर्डर के दोनों प्लेयर है ना ओपनर, दोनों को ही अपनी टीम में नहीं उठाने वाला जिम्बाब्वे के प्लेयर्स, क्योंकि सामने बॉलिंग लाइनअप अपनी अच्छी है। बॉलिंग लाइनअप एटलीस्ट मेरे को भरोसा है कि अच्छी है। रवि बिश्नोई अच्छा कर देंगे, है ना। वॉशिंगटन सुंदर भी अच्छा कर देंगे, इवन मुकेश कुमार और वो लोग भी अच्छा कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बॉलिंग पे तो मेरे को भरोसा है कम से कम, है ना। उसके अलावा दोस्तों इनोसेंट गया की अगर मैं बात करूं तो इनका जो रिकॉर्ड है वो भी आपके स्क्रीन के सामने कोई खास इंप्रेसिव रिकॉर्ड नहीं है। 16 से भी नीचे का बैटिंग एवरेज है। T20 इंटरनेशनल में पिछले मैच पे डक पे आउट हो गए थे, अपनी टीम में डेफिनेटली हम नहीं उठाएंगे, है ना। उसके बाद दोस्तों ब्रायन बेनेट है, जो कि मैंने आपको कल वाले वीडियो में भी बोला था कि ट्रंप कार्ड आप लोगों के लिए निकल सकते हैं। जिन्होंने भाई वीडियो को ध्यान से सुना था उन्होंने अपनी ग्रैंड लीग मिनी ग्रैंड लीग की टीम में इनको उठाया होगा। इन्होंने दोस्तों कल 22 रन बनाए, एक विकेट लिया, एक ही ओवर फेंका था लेकिन वो ओवर मेडन भी निकला था। तो ध्यान रखना ब्रायन बेनेट ने ओवरऑल काफी अच्छी परफॉर्मेंस की थी कल वाले मैच में, है ना। काफी अच्छे पॉइंट दिए थे और वही बात है, जिन्होंने वीडियो ध्यान से देखा था उन्होंने प्रॉफिट कमाया, ग्रैंड लीग में भी अच्छी रैंक लेके आए हैं। इसलिए बोलता हूं दोस्तों देखो वीडियो में जो जो बातें मैं बोलता हूं ना, एक एक बातें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। पता नहीं ना मैं वीडियो के बीच में कौन सी ऐसी बात बोलता हूं जो कि आपको जो है ग्रैंड लीग में अच्छी रैंक दिलवा दे, है ना। तो वीडियो को ध्यान से देखा करो, हमेशा बोलता हूं थोड़ा सा टाइम निकाला करो, वीडियो को ध्यान से पूरा देखा करो। बाकी दोस्तों ब्रायन बेनेट की अगर मैं बात करूं तो कल वाले मैच में दोस्तों उन्होंने 22 रन जरूर बनाए थे, लेकिन ध्यान रखना थोड़ी सी मिसफील्डिंग भी हुई थी इंडियन टीम से। आज वाले मैच में देखो अच्छा कर सकते हैं, इसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बॉलिंग भी करवाएंगे और आप अपनी टीम में सेफ खेलना चाहो उस मौली की टीम में उठा भी लेना, लेकिन अगर हल्का सा रिस्क आपको लेना हो तो आप इनको ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो। ध्यान रखना इंडियन टीम इनके लिए प्रिपेयर होके आएगी, ठीक है। उससे पहले अगर मैं बात करूं तो दोस्तों बांग्लादेश के अगेंस्ट जो सीरीज हुई थी उसमें अच्छी परफॉर्मेंस आई थी इनकी, 44 नॉट आउट की, 2 विकेट यहां पर, 70 रनों की पारी और 2 विकेट यहां पर, है ना। तो काफी अच्छी परफॉर्मेंस इन्होंने बांग्लादेश के अगेंस्ट दी थी। आप डेफिनेटली सेफ खेलना हो ब्रायन बेनेट को अपनी टीम में उठा सकते हो, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों सिकंदर रजा को तो अपनी टीम में उठाना ही उठाना है, बैटिंग भी करेंगे बॉलिंग भी करेंगे, काफी अच्छा एक्सपीरियंस भी होल्ड करते हैं, है ना। रिसेंट फॉर्म भी अच्छी है, कल वाले मैच में 3 विकेट इन्होंने निकाले थे तो डेफिनेटली उठाना तो है ही है। साथ ही साथ कैप्टन वाइस कैप्टन की अच्छी चॉइस हो जाते हैं। उसके बाद दोस्तों मेयर्स का अपने पास ऑप्शन आ जाता है, इनका जो रिकॉर्ड है वो आपकी स्क्रीन के सामने, कोई खास जो एक्सपीरियंस है नहीं दोस्तों। पिछले मैच में 23 रनों पे आउट हो गए थे, बाकी हम अपनी स्मॉली की टीम में उठाएंगे नहीं मेरे भाई, क्योंकि देखो ओनली 18 का बैटिंग एवरेज है। इंडियन टीम आज प्रिपेयर होकर आएगी मेरे को लगता है, मेयर्स को मैं अपनी टीम में नहीं उठाऊंगा। ज्यादातर जो प्लेयर है वो आज भी मैं इंडियन टीम से ही उठाने वाला हूं, है ना। कैंपबेल को भी दोस्तों मैं अपनी स्मॉली की टीम में नहीं उठाऊंगा, ज्यादा कोई खास एक्सपीरियंस है नहीं T20 क्रिकेट में। लेफ्ट हैंड बैटर है, 105 रन है, 35 का बैटिंग एवरेज है इनका। दोस्तों जो परफॉर्मेंस है वो आपकी स्क्रीन के सामने। बांग्लादेश के गेस्ट दोस्तों इन्होंने जो 4 मैच खेले थे उनमें 45, 21 और 31 रनों की अच्छी अच्छी पारियां आई थी। इस मैच में 8 नॉट आउट की आई थी, बाकी पिछले मैच में जो है डक पर आउट हो गए थे कैंपबेल, है ना। उसके बाद दोस्तों अपने पास मदांदे का ऑप्शन आ जाता है। पिछले मैच में दोस्तों कल वाले मैच में हमने मदांदे को अपनी टीम में उठाया था, अगर आपने ध्यान दिया हो, है ना। विकेट कीपर सेक्शन से मैंने ध्रुव जुरेल को नहीं उठाया था क्योंकि मेरे को लगा था कि यार या तो उनकी बैटिंग नहीं आएगी, आएगी तो भी मेरे को लगता नहीं है कि पावर हिटिंग करके वो अच्छी पारी खेल पाएंगे, है ना। इसीलिए मैंने मदांदे को उठाया था और इस बंदे ने 29 नॉट आउट की शानदार पारी खेली थी, अपने को बहुत अच्छे खासे पॉइंट दिए थे और अपने को कल वाले मैच में जो प्रॉफिट करवाया था उसमें मदांदे का काफी बड़ा हाथ था। और डेफिनेटली आज वाले मैच में भी मैं मदांदे को ही अपनी टीम में रखने वाला हूं, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। उसके अलावा लुक जोंगवे की अगर मैं बात करूं तो भाई इनका भी मैंने आपको बताया था, अच्छे बॉलर है, राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर है, एक्सपीरियंस भी अच्छा खाता है, T20 इंटरनेशनल में 63 मैच का है, रेगुलरली विकेट भी निकालते हैं। बांग्लादेश के अगेंस्ट सिर्फ 1 मैच में फ्लॉप हुए थे, उसके अलावा टोटल 7 विकेट निकाले थे इन्होंने और कल वाले मैच में भी दोस्तों 1 विकेट ये लेके गए थे, है ना। लुक जोंगवे दोस्तों थोड़े से एक्सपेंसिव रह सकते हैं लेकिन विकेट आपको निकाल के दे सकते हैं, अगर आप उनको रखना चाहो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन बॉलर्स में मैं बोलूंगा कि ज्यादा बॉलर मत उठाना, है ना। आप लुक जोंगवे को उठाना चाहो लुक जोंगवे को उठाना, टेंदाई चचारा को उठाना चाहो चचारा को उठाना, या फिर ब्लेसिंग मुजराबानी को उठाना चाहो मुजराबानी को उठाना, 3 में से कोई एक ही उठाना, उससे ज्यादा मत उठाना, मैं तो आपको यही बोलूंगा, ठीक है। बाकी वेलिंगटन मसकदजा को दोस्तों हम अपनी टीम में रखेंगे नहीं, स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर जरूर है, 50 मैच में लेकिन 39 विकेट ही है,
7.25 की इकोनॉमी रेट है। पिछले मैच में एक विकेट जरूर लिया था, लेकिन दोस्तों कंसिस्टेंट नहीं है अपनी बॉलिंग के साथ। इस मैच में जीरो, इस मैच में जीरो है, ठीक है। तो अपनी स्मॉल की टीम में हम इनको कंसिडर नहीं कर सकते। मैंने आपको बताया तेंदाई चतारा, ब्लेसिंग मुजराबानी और लूक जोंगवे, इन तीन फास्ट बॉलर्स में से कोई एक बॉलर अगर आप उठाना चाहो तो उठा सकते हो। और इन तीनों में से देखो, ब्लेसिंग मुजराबानी भी अच्छे बॉलर है, तेंदाई चतारा भी अच्छे हैं, लूक जोंगवे भी अच्छे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन सबसे ज्यादा कल वाले मैच में इंडियन प्लेयर्स को जो परेशान किया था वो तेंदाई चतारा थे। 57 मैच में दोस्तों ओवरऑल 65 विकेट है इनके, 7.16 की इकोनॉमी रेट है और तीन विकेट पिछले मैच में लेके गए थे। तो सबसे सेफेस्ट पिक आप लोगों के लिए डेफिनेटली तेंदाई चतारा रहने वाले हैं। लेकिन अगर आपको थोड़ा डिफरेंट करना हो, देन यू कैन गो विद ब्लेसिंग मजरबानी एंड लूक जोंगवे एज वेल, क्योंकि वो दोनों भी अच्छे बॉलर हैं और उनके ऊपर आज लोग कम फोकस करेंगे, लेकिन वो अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। वो बात हो जाती है दोस्तों जिम्बाब्वे के प्लेयर्स की। अब अपन बात करते हैं देखो इंडियन की। तो इंडिया की जो पूरी स्क्वाड है वो आपकी स्क्रीन के सामने, इनके जो पॉसिबल प्लेइंग 11 है वो आपकी स्क्रीन के सामने। मेरे को लगता नहीं है कि दोस्तों एक चांस के बाद ही किसी प्लेयर को ये ड्रॉप करेंगे। मेरे को लगता नहीं है कि अपने प्लेइंग 11 में ज्यादा ये कुछ खास चेंजेज करेंगे, ठीक है। एक आधा करना चाहिए कर सकते हैं, जैसे तुषार देशपांडे को खिला लें, या फिर उसको क्या नाम है उसका, शर्मा, जितेश शर्मा को खिला लें ध्रुव जुरेल की जगह, है ना। तो वो एक आधा चेंज अगर ये करना चाहें कर सकते हैं, बाकी मेरे को लगता नहीं है, चांसेस मेरे को कम ही लग रहे हैं, ठीक है। फिलहाल में दोस्तों हम बात करते हैं देखो यार इन्हीं 11 प्लेयर के सारे रिकॉर्ड के बारे में, तो वो भी आपकी स्क्रीन के सामने। सबसे पहले दोस्तों अपने पास कप्तान का ऑप्शन आता है शुभमन गिल, जो कि टीम की कैप्टनसी कर रहे हैं। 14 T20 इंटरनेशनल मैच का दोस्तों एक्सपीरियंस है, 335 रन है, 25 का ही बैटिंग एवरेज है, कोई खास परफॉर्मेंस है नहीं, ठीक है। ये दोस्तों आईपीएल का सीजन जो था शुभमन गिल का उतना अच्छा नहीं गया, आपको भी पता है गुजरात टाइटंस की टीम को उतना कुछ खास इन्होंने परफॉर्मेंस करके नहीं दिया, सिर्फ एक मैच में यहां पर शतक आया था। ये आईपीएल की परफॉर्मेंस है, ये स्टार्टिंग की चार्ट, ठीक है। पिछले मैच में दोस्तों जब सब कोलैप्स हो रहे थे, पूरी बैटिंग ऑर्डर फ्लॉप हो रही थी, तब शुभमन गिल ने थोड़ी सी बागडोर संभाली थी, 31 रनों की पारी खेली थी, और इतनी हम उम्मीद कर सकते हैं भाई कैप्टन है टीम का, थोड़ा सा मेच्योरली खेलेगा आज वाले मैच में। अब जब इनको सीरीज इनके हाथ से जाते हुए दिखेगी, क्योंकि देखो कैप्टन है ये टीम का, है ना, और ऐसे मौके कम मिलते हैं इंडिया टीम का कैप्टनसी करने के। तो शुभमन गिल अपना ये रिकॉर्ड नहीं चाहेंगे कि भाई मैं जिम्बाब्वे के अगेंस्ट कैप्टनसी करी और जिम्बाब्वे सीरीज जीता है, शुभमन गिल बिल्कुल नहीं चाहेंगे। आज के मैच में थोड़ा सा आप ये भी समझ सकते हो कि शुभमन गिल की मेंटेलिटी ये रहने वाली है कि सिर्फ मेरे को ही मैच जितवाना है, क्योंकि इनको अपनी कैप्टनसी का जो रिकॉर्ड है वो अच्छा रखना है। तो ध्यान रखना शुभमन गिल की तरफ से आपको आज एक अच्छी परफॉर्मेंस नजर आ सकती है, आप इनको सीवीसी के लिए कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अपने पास अभिषेक शर्मा है, ऋतुराज गायकवाड़ है, रियान पराग है, तीनों के तीनों कल वाले मैच में फ्लॉप हो गए थे। लेकिन यार बात यह कि अभिषेक शर्मा को फिर भी अपनी टीम में उठाना बनता है। देखो T20 इंटरनेशनल में इन्होंने कल डेब्यूट मारा, डेब्यूट पे जो है डक पे आउट हो गए, बाकी 104 मैच का एक्सपीरियंस है इनके पास T20 का। इनका जो रिकॉर्ड है वो आपकी स्क्रीन के सामने है, अच्छी बॉलिंग भी करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर भी है, ठीक है। आईपीएल दोस्तों इनका अच्छा गया ही था, ये देखो 75 नॉट आउट, 66 दो विकेट, है ना, आईपीएल इनका अच्छा गया ही था। बाकी दोस्तों पिछले मैच में क्या हुआ कि दो ओवर इन्होंने बॉलिंग भी फेंके थे, और उसी रीजन की वजह से इनको उठाना जरूरी हो जाता है कि बॉलिंग आज वाले मैच में भी इनको मिल सकती है, अच्छी परफॉर्मेंस भी कर सकते हैं, ऊपर से दोस्तों ओपनिंग भी करेंगे, है ना। तो अभिषेक को भी उठाना एक्चुअली जरूरी हो जाता है, और ये भी आप लोगों के लिए एक्चुअली सीवीसी के अच्छे पिक हो जाते हैं, क्योंकि बॉलिंग करेंगे और मान लो एक विकेट निकाल दिया, और बैटिंग से मान लो कि आईपीएल वाली फॉर्म में खेल गए, तब बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आपको करके दे सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों हम अपनी टीम में उठाएंगे। उधर जिम्बाब्वे के दोनों ओपनर हम अपनी टीम में नहीं उठा रहे, लेकिन यहाँ के दोनों ओपनर उठा रहे हैं। उसके बाद दोस्तों डाउन दी ऑर्डर के प्लेयर्स की बात आ जाते हैं। अब ये दोनों फ्लोप थे कल वाले मैच में, लेकिन बात ये कि यार क्वालिटी ये इनके पास भी है। ऋतुराज गायकवाड़ का आईपीएल का सीजन अच्छा गया था, रियान पराग का आईपीएल का सीजन अच्छा गया था। रिकॉर्ड अगर आप देखोगे ऋतुराज गायकवाड़ 35 का बैटिंग एवरेज होल्ड करते हैं T20 इंटरनेशनल में, है ना, और सीजन दोनों के ही अच्छे गए थे, बस पिछले वाले मैच में दोनों फ्लॉप हो गए। लेकिन देखो यार मैं फिर भी जो है इंडियन प्लेयर्स के ऊपर थोड़ा सा भरोसा दिखाना चाहूंगा, थोड़ा सा बैक करना चाहूंगा, यंग प्लेयर है, बाद में जाके अच्छी परफॉर्मेंस कर सकते हैं। एक बार के लिए मैं सोच रहा हूँ अपनी टीम में उठाने का, टू बी ऑनेस्ट मैं सोच रहा हूँ अपनी टीम में उठाने का, फिर नीचे से दोस्तों किसी को उठाने का नहीं देख रहा। अगर मैं इंडिया के टॉप 4 प्लेयर्स अपनी टीम में उठाऊंगा तो फिर नीचे से फिर मैं रिंकू सिंह या फिर ध्रुव जुरेल को अपनी टीम में शायद ही उठाऊं। अगर इंडिया पहले बैटिंग करती है, वही बात है, इंडिया पहले बैटिंग करती है तो मैं रिंकू सिंह को अपनी टीम में उठा सकता हूं, लेकिन अगर इंडिया पहले बॉलिंग करती है तब फिर मैं हो सकता है रिंकू सिंह को भी अपनी टीम में न उठाऊं, ठीक है। बाकी दोस्तों बॉलिंग डिपार्टमेंट पे मेरे को भरोसा है, इंडियन टीम की बॉलिंग डिपार्टमेंट पे, बॉलिंग डिपार्टमेंट मेरी टीम में रहेगा तो वॉशिंगटन सुंदर मेरी टीम में रहेंगे, रवि बिश्नोई मेरी टीम में रहेंगे, इनमें मेरे को कोई भी डाउट नहीं है। इवन दोस्तों रवि बिश्नोई कल 4 विकेट लेके गए थे, और कल शायद मैंने वीडियो में ये बात बोली भी थी कि रवि बिश्नोई काफी परेशान कर सकते हैं, काफी अच्छे लेग स्पिनर हैं, और इनको आप ग्रैंड लीग की टीम में सीवीसी बनाना, जिन्होंने बनाया होगा उनको काफी फायदा हुआ होगा, है ना।
बाकी उसके बाद दोस्तों अपने पास आवेश खान है, मुकेश कुमार है, खलील अहमद है। पिछले मैच में दोस्तों कल वाले मैच में सिर्फ खलील अहमद एक ऐसे बॉलर थे जिनको विकेट नहीं मिला अगर आप देखोगे, लेकिन खलील अहमद दोस्तों अच्छे बॉलर है, लेफ्ट आर्म एंगल इनके पास मौजूद है और ध्यान रखना आईपीएल इनका भी अच्छा गया है, बस वो इंटरनेशनल क्रिकेट के प्रेशर में जो है थोड़ा सा ऐसा कह सकते हैं कि नहीं कर पाई परफॉर्मेंस, बट कर सकते हैं। मैं इंडिया की आई थिंक पूरी बॉलिंग लाइनअप ही अपनी टीम में उठाने वाला हूं, चाहे इंडिया पहले बैटिंग करे चाहे पहले बॉलिंग करे, ठीक है। इंडिया की पूरी बॉलिंग लाइनअप में अपनी टीम में उठाने वाला हूं और ये बॉलिंग लाइनअप हो गए, ओपनर्स हो गए, है ना, एक दो प्लेयर जिम्बाब्वे को उठा लेंगे, सिकंदर रजा वगैरह हो जाते हैं अपने 11 प्लेयर, बस वो ही अपनी टीम रहने वाली है आज वाले मैच के लिए। ऐसा कुछ खास जो है नहीं होने वाला, पिच मैंने आपको बताई दिया, वो ही जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है ना। अब दोस्तों देखो यार, अभी तक इस वीडियो में हम इस मैच से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देख चुके हैं, बहुत सारी बातें कर चुके हैं, बहुत अच्छे एनालिसिस कर चुके हैं। प्लेयर बैटल्स वगैरह इन मैचों के लिए एग्जिस्ट करते नहीं है, वो बात मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, क्योंकि दोनों ही टीम्स में प्लेयर जो हैं वो कुछ नए नए प्लेयर्स हैं जिन्होंने एक दूसरे के आगे खेला नहीं है, तो प्लेयर बैटल वगैरह एग्जिस्ट नहीं करते, है ना। अब देखने के लिए दोस्तों सिर्फ एक चीज बाकी है और वो है इस मैच की टीम। तो जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि इस वीडियो में यार मैं आपको इस मैच की एक टीम बना के दिखाऊंगा, तो वही प्रॉमिस दोस्तों मैं अपना पूरा कर रहा हूं। मैं आ जाता हूं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर और मेरे मोबाइल की स्क्रीन भी आपको अपने साइड में दिख पा रही होगी। इसमें दोस्तों मैंने अपना ड्रीम इलेवन एप्लीकेशन ओपन कर लिया है, जिम्बाब्वे इंडिया का मैच ओपन कर लिया है, जिसकी मैं आपको फटाफट से एक टीम बना के दिखा देता हूं। लेकिन दोस्तों देखो वही बात है कि ये जो भी टीम अपनी इस वीडियो में बनेगी ध्यान रखना अपनी फाइनल टीम नहीं रहेगी, इसमें चेंजेस होंगे, इसमें अपडेट होंगे, और जो भी चेंजेस होंगे जो भी अपडेट होंगे वो करके अपनी फाइनल टीम आप लोगों के साथ हमेशा तरह मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर करूंगा। हमारा टेलीग्राम चैनल भी दोस्तों आपको अपनी साइड स्क्रीन पर दिख पा रहा होगा, है ना। फिलहाल में आप खुद देख सकते हो 182,000 से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं और रेगुलरली दोस्तों हमारी फाइनल टीम्स और अपडेट्स का एकदम फ्री में फायदा उठा के बहुत अच्छे खासे विनिंग यहां पर करते रहते हैं ना। मैं आप लोगों के लिए यहां पर टीम्स डालता हूं, ऑडियो मैसेज डालता हूं, वीडियो मैसेज डालता हूं, ताकि सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे और आप लोग अच्छा प्रॉफिट कमाते रहो। लाखों लोग ऑलरेडी जुड़ रखे हैं, वो प्रॉफिट कमा रहे हैं, अगर आप उनमें से नहीं हो तो आपका मोस्ट वेलकम है, टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लेना, उसके ज्वाइनिंग लिंक मैंने आपको बता दिया नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में, वीडियो अपना एक दो मिनट के अंदर खत्म हो जाएगा, उसके बाद जाके ज्वाइन कर लेना, ठीक है। बाकी बात करते हैं दोस्तों हम अपनी टीम के बारे में, तो विकेट कीपर सेक्शन से वापस मैं मदांदे को अपनी टीम में उठाने वाला हूं। बैटिंग सेक्शन से दोस्तों वही बात है, इंडिया के जो टॉप फोर हैं वो एक बार में वापस अपनी टीम में उठाने वाला हूं, तो गिल हो गए, ऋतुराज गायकवाड़ हो गए, रियान पराग हो गए और अभिषेक शर्मा हो गए, ठीक है। फिर दोस्तों बैटिंग सेक्शन से देखो रिंकू सिंह, वेस्ली माधवेरे और इनमें से किसी को भी नहीं उठा रहा मैं। फिर आते हैं दोस्तों ऑलराउंडर में, तो सिकंदर रजा, वॉशिंगटन सुंदर अपनी टीम में रहेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ब्रायन बेनेट है दोस्तों, मैंने आपको बता दिया, अगर आप रखना चाहो रख सकते हो, ठीक है। बाकी बॉलिंग सेक्शन से दोस्तों मैं इंडिया के जो बॉलर्स हैं वो सारे ही अपनी टीम में उठाऊंगा, तो ये वाली जो कुछ टीम है अपनी बन जाएगी। इसमें दोस्तों देखो अगर एक आधा चेंज आप करना चाहो तो क्या कर सकते हो मैं आपको बता देता हूं, आप इंडियन बॉलिंग लाइनअप में से किसी एक आधे को ड्रॉप कर सकते हो, लेस से कि जैसे आपने मान लो मुकेश कुमार को या फिर खलील अहमद को ड्रॉप कर दिया, तो आप जो है यहां से ब्रायन बेनेट को उठा सकते हो, एक एक्स्ट्रा प्लेयर उठा सकते हो जिम्बाब्वे का, ये वाली टीम आप बना सकते हो। या फिर ब्रायन बेनेट को नहीं पिक करना चाहो, या फिर मान लो एक और बॉलर आप पिक करना चाहो जिम्बाब्वे का, तो भी आपको जो है एक आधा चेंज करना पड़ेगा। फिर आप एक काम करना, बैटिंग में से लेस से रियान पराग को ड्रॉप कर देना और एक्स्ट्रा बॉलर लाइक तेंदाई चतारा को उठा लेना, ऐसा कुछ आप कर सकते हो, है ना। तो ये दो तीन कॉम्बिनेशन दोस्तों आपको आज वाले मैच में पॉसिबल है जिनको आप बनाने का देख सकते हो, लेकिन फिलहाल के लिए मैं क्या कर रहा हूं कि ये वाली जो टीम है ना यही बना रहा हूं एक बार के लिए, है ना। वीडियो वाली टीम है, डेमो टीम है, इसमें चेंजेस अपन डेफिनेटली कर लेंगे, वो टॉस हो जाने दो, एक बार फाइनल पिच रिपोर्ट और फाइनल प्लेइंग 11 आ देते हैं, उसके बाद हम चेंजेस कर लेंगे इसमें, है ना। एक बार के लिए ये वाली टीम आप लगा लो, इसमें जो भी चेंजेस होंगे टेलीग्राम चैनल पर मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है। कैप्टन वाइस कैप्टन दोस्तों इसमें सिकंदर रजा, अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल, ये तीन आप लोगों के लिए मेन रहने वाले हैं, बाकी रवि बिश्नोई को एक बार आप वापस कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। बाकी दोस्तों कैप्टन वाइस कैप्टन की चॉइसेज में भी कोई चेंजेस होने होंगे या फिर कोई भी अपडेट होंगे तो वो भी मैं आप लोगों के साथ तो उसके बाद अपने टेलीग्राम चैनल पर ही शेयर कर पाऊंगा। इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही दोस्तों, मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, अपना ध्यान रखिएगा।